अरे चुटकी और गप्पी आ गए तुम दोनों खेलकर। जी पापा। हेलो हैप्पी चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कपड़े आज शाम को देने जाना है तो उन्हें पैक कर रहा हूँ। ये काफी मजेदार काम लगता है। पापा क्या हम दोनों भी आपकी मदद कर सकते हैं कपड़े पैक करने में? हाँ जरूर, तुम लोग सबसे पहले सारे शर्ट के बटन लगा दो। ठीक है। ये बटन बच कैसे गए? लगता है मैंने भी कुछ गड़बड़ कर दी है। और मुझसे तो लगे ही नहीं है। बच्चों ये तो बहुत आसान है, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। चुटकी, इसका आसान तरीका ये है कि जब तुमने शर्ट पहनी हो तो सबसे नीचे से या फिर सबसे ऊपर से बटन लगाना शुरू करो, फिर वो ठीक लगेंगे। ओह, मुझसे यही गलती हुई थी। तुम कर सकती हो चुटकी। शाबाश। लेकिन मुझे तो बटन लगाना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ हैप्पी चाचा? गप्पी, अब तुमने बटन और उसके सही छेद को पहचान लिए, तो फिर बस तुम बटन को ऐसे पकड़ो और उस छेद के अंदर से बटन को दूसरी तरफ से बाहर निकाल कर खींच दो। अब तुम कोशिश करके देखो गप्पी। बटन को पकड़ो और ऐसे छेद के पार करवा दो। अरे ये तो हो गया, थैंक यू हैप्पी चाचा। इस कपड़े में ये क्या लगा है पापा? हाँ, इसको वेलक्रो कहते हैं। ये तो आसान है, बस चिपकाओ और हो गया। हाँ, और खींचो तो खुल गया। बिल्कुल सही बच्चों। और ये बटन? ये मैं जानती हूँ, पापा अक्सर मेरी फ्रॉक में ऐसे बटन लगाते हैं जिसे मैं आसानी से लगा लेती हूँ। ये तो बस एक दूसरे के साथ मिलकर दबाने से बंद हो जाते हैं, ऐसे। अब हमारे कौन से कपड़े रह गए पैक होने के लिए? पापा ये जैकेट्स। अरे हाँ, चलो अब तुम लोग इनकी जिप बंद करो और मैं कपड़े पैक करता जाता हूँ। ये तो बटन लगाने से भी ज्यादा मुश्किल है, ये पता नहीं कैसे होगा, कोशिश करके देखती हूँ। ये भी कर ही लेगी चुटकी, मैं ये कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें ये करना सिखाता हूँ। थैंक यू चाचा। बच्चों मुझे खुशी है कि तुम लोग ये सीख रहे हो, इससे तुम एक नई चीज तो सीख ही रहे हो, साथ साथ बटन लगाने से या जिप लगाने से तुम्हारी उंगलियों की भी एक्सरसाइज हो रही है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। क्या सच में पापा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें जिप कैसे लगते हैं। सबसे पहले जैकेट को नीचे से पकड़ें, ऐसे। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम जिप जिसे खींचकर हम ऊपर लाते हैं वो इसके नीचे लगी छोटी डब्बी के बिल्कुल साथ लगी हो, उससे दूर ना हो, ऐसे। मतलब ये ऊपर नहीं, इसके साथ ऐसी लगी होनी चाहिए। अब समझ गया मैं हैप्पी चाचा। बिल्कुल सही गप्पी। अब अपने अंगूठे को ऊपर रखते हुए इन दोनों को साथ में ऐसे पकड़ो। अब जैकेट के दोनों कोनों को सामने लाएं, एक साथ बीच में मिलाने के लिए। जो दूसरी तरफ ये पिन जैसी चीज देख रहे हो ना, इसे पकड़कर ऐसे ऊपर उठाओ और पिन के दूसरी तरफ जो जिप तुम्हें दिखाई दे रही है उसमें डालो, ऐसे। फिर दूसरे हाथ से जिप खींचकर ऊपर की ओर खींचो और ये हो गई जिप बंद। थैंक यू हैप्पी चाचा। बहुत बढ़िया बच्चों, ये देखो सारे कपड़े भी पैक हो गए। चलो अपने अपने जूते पहनो और ये कपड़े दे आते हैं। पर क्या हुआ गप्पी? हैप्पी चाचा, ये जूते के लेस, ये मुझसे कभी बंद गई नहीं है, आखिर किसने बनाया ये? अरे अरे गप्पी इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जूते के लेस बांधने का। क्या सच में हैप्पी चाचा? अरे वाह, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अपने दोनों लेस को सीधा पकड़ो, फिर इनसे एक काटा बनाओ इस तरह, और एक लेस को नीचे से घुमाकर अंदर ले जाओ और फिर बाहर निकालो। अब दोनों लेस से बनी के कान बनाओ, ऐसे। बनी के कान। अब दोनों से फिर से काटा बनाओ और एक बनी के कान को दूसरे के ऊपर से घुमाकर अंदर से निकालो और खींच के टाइट कर दो, और ये बंद गए तुम्हारे लेस। आप सही कह रहे थे हैप्पी चाचा, ये उतना मुश्किल भी नहीं है शायद। थोड़ी कोशिश करते रहने से तुम सीख जाओगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमारी तरह आप भी सीख गए होंगे अलग अलग तरह के बटन और जूतों के लेस बांधने का तरीका।
आप इन सबको खुद से बांधने और खोलने की कोशिश करें और अगर जरूरत हो तो घर में अपने बड़ों की मदद लेके इन्हें सीखें। दोस्तों याद रखें, ये बटन और जिप लगाने से आप खुद से तैयार होना तो सीखेंगे ही, इसके साथ ही आप अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज भी कर लेंगे। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।